Yes, students. Today I with the civil disobedience movement. Yesterday I have discussed with you how Mahatma Gandhi ji started salt march, and how in 1930 civil disobedience movement, the process of civil disobedience movement began. Many people they followed the policies of Mahatma Gandhi, and ye जर्नी जो 1930 से स्टार्ट हुई थी इट एंडेड अप टू 1934. मैंने आपको इम्पोर्टेंट ईयर्स इसमें करवाए हैं. दैट सॉल्ट मार्च स्टार्टेड इन 1930. ऑन 5th March 1931 महात्मा गांधी ही साइंड गांधी इरविन पैक्ट टू कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज मैनी पीपल वर अरेस्टेड इन दिस मूवमेंट. So Mahatma Gandhi wanted to release all the prisoners. So that's why he agreed to call if this civil disobedience movement. And this agreement ke basis ke upar, ठीक है, वो लंदन जाने को ready हो गए. और लंदन में एक ब्रिटिशर्स के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस फिक्स हुई थी. इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस ने अपोज की थी, अटेंड नहीं की, ठीक है. लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी ही एग्रीड, ठीक है. ही वेंट टू लंदन एंड ही डिस्कस्ड मेनी पॉइंट्स देयर रिगार्डिंग इंडिया, इंडियन पॉलिसीज. व्हाट सम ऑफ द पॉइंट्स ही डिसएग्रीड एंड ही केम बैक, ठीक है. क्योंकि कोई प्रपोजल जो था दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, देन ही वॉज डिसएग्रीड एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. So that's why he came back. जब वो वापिस आए तब तक जवाहरलाल नेहरू was in the jail, अब्दुल गफार खान, even many Congress leaders were arrested. So अब तक आपको समझ आ गया होगा कि that was a policy of Britishers to stop this movement, ताकि महात्मा गांधी जी को किसी तरह से agree किया जाए कि वो लंदन चले जाएं. पीछे से जो पार्टी मेंबर्स हैं या जो भी मूवमेंट को किस तरह से स्टॉप किया जाए. और जब महात्मा गांधी जी वापस आए, व्हेन ही रिटर्न बैक, तब तक जो लोग थे, ठीक है, उनकी जो एक जील थी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की वो काफ़ी हद तक स्लो हो गई. लेकिन आकर फिर से महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया. लेकिन इस बार जो लोग थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं हुए, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि महात्मा गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वापस उसको कॉल ऑफ या विड्रॉ कर लेते हैं. और 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई. एंड स्लोली आफ्टर इट ही कॉल्ड इट अगेन, उन्होंने इसको फिर से वापस. तो ये पूरा कंप्लीट नोट जो है दैट इज रिलेटेड टू सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. साथ ही साथ बच्चे आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Because these are the two main movements that covers your syllabus. Non-cooperation, सबसे पहले तो जो है वो heading से ही याद रखो. Non-cooperation में महात्मा गांधी जी का main motive क्या था? Not to cooperate with the Britishers. Civil disobedience movement का main motive था to disobey the laws, to disobey British laws, to break the civil laws, यानी कि rules को तोड़ना. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसका मेन, जिसे हम कहते हैं कि टारगेट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, खिलाफत आंदोलन. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी हद तक मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई, क्योंकि इस टाइम तक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड रूल, जिसे हम कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई द ब्रिटिशर्स. हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में लड़कर वो रूल करना चाहते थे, और काफ़ी हद तक दो पार्टीज अलग अलग, जैसे कांग्रेस पार्टी जिसे हम कहते हैं कि मेन वो हिंदूज को लीड कर रही थी, और मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम्स को लीड कर रही थी. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम थी. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम ये कह सकते हैं कि बहुत, जिसे हम कहते हैं कि बढ़ चढ़ कर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी उसमें बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है. तो अब इन्हीं पॉइंट्स, इन्हीं मतलब कौन कौन से ग्रुप्स थे उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है. तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैसे आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया था ना, विच वर द डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन, तो उसमें मैंने आपको टू डिवीजन करवाई थी. एक मैंने करवाया था पार्टिसिपेशन इन द टाउन्स, एक मैंने करवाया था पार्टिसिपेशन इन द विलेज एरियाज. टाउन्स की बात करें तो सिटीज की बात करोगे आप, और अगर विलेज एरियाज तो कंट्री साइड में याद होगा आपको. मैंने कल मैंने आपको तीन प्लेसेस बताए थे, ठीक है. आपने सबसे पहले बताना है, ठीक है, गुडैम हिल्स आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बारे में असम प्लांटर, असम प्लांटेशन वर्कर्स, उनकी आपने स्टोरी बतानी, और अवध किसान सभा यानी कि अवध के किसान जो है उनकी प्रॉब्लम्स आपने बतानी. वो मेन तीन ग्रुप्स जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया. लेकिन जब आप सिविल डिसोबीडियंस के ग्रुप्स की बात करते तो इसमें एज सच जो है वो कोई पर्टिकुलर जो है वो हमने कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी नहीं थी. इसमें हमने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताना है कि किस तरह के ग्रुप्स जो थे उनकी पार्टिसिपेशन थी, एंड एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस पार्टी. ये मेन याद रखना कि कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड इस मूवमेंट में इन ग्रुप्स के साथ क्या था. कांग्रेस पार्टी वॉज विलिंग टू सपोर्ट देम, दीज ग्रुप्स आर नॉट. किन ग्रुप्स को सपोर्ट किया और किन को नहीं किया, जिनको ना करने के कारण हम ये कह सकते कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी. तो हमने इसमें दोनों ही तरह से, इनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी किनकी कम थी, दोनों ही तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो करना है. तो कंबाइंड क्वेश्चन क्या है आपका, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है. तो डिफरेंट ग्रुप्स हमने बताने हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सबसे पहले बेटा जब भी हम अपनी सोसाइटी के ग्रुप्स की बात करते हैं तो जनरल वैसे याद रखो ये कि अलग अलग ग्रुप्स कौन से होते हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर. कुछ पीजेंट्स हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है. पीजेंट्स में भी दो तरह के पीजेंट्स होते हैं, रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स. वर्कर्स की बात करें तो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिनकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं और लेबर क्लास फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है. तो मर्चेंट्स, कुछ मर्चेंट्स होते हैं. आज के टाइम में भी अगर सोसाइटी में बात की जाए तो सोसाइटी में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, मर्चेंट्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स. तो ऐसे ही आपने इस मूवमेंट के लिए इन्हीं ग्रुप्स के नेम जो हैं वो आपने ऐसे ही याद रखने हैं और उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में बताना है, ठीक है. सबसे पहले पार्टिसिपेशन बाय रिच पीजेंट्स, पार्टिसिपेशन बाय रिच पीजेंट्स. अब हमने ये बताना है कि ये कौन सी पर्टिकुलर स्टेट के जो थे पीजेंट्स थे, जो बहुत रिच थे, जिनके पास बहुत लैंड थी, और उन्होंने उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का क्या मोटिव था. बेसिकली गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, और इन पीजेंट्स को पर्टिकुलर उनकी लैंग्वेज में, जिसमें कहते हैं ना कि हर एरिया की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, इनको पट्टीदार कहा जाता है. पट्टीदार का मतलब होता है स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, यानी कि इनके पास बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स, पट्टियां, लैंड जो थी होती थी, स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, सेक्शंस ऑफ लैंड, ठीक है. और इसलिए बहुत रिच थे, इनको पट्टीदार और गुजरात या पट्टीदार उत्तर प्रदेश में भी इनको पट्टीदार कहा जाता है, ठीक है, जिनके पास अनलिमिटेड लैंड होती. अब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया, बिकॉज दीज पीजेंट्स हैड टू पे हाई रेंट फॉर देयर लैंड. आपके पास प्रॉपर्टी होती है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा. सेम इसी तरह से जो इन पीजेंट्स के पास प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, उनके ऊपर इनको हाई रेवेन्यू या हाई रेंट, रेवेन्यू, रेवेन्यू भी कह सकते हैं, टैक्स भी कह सकते हैं इसको, रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू जो था वो पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स. एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड. क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी कंट्री में लॉन्च हुई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में ट्रेड डिप्रेशन, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ट्रेड डिप्रेशन. ट्रेड मतलब बिजनेस, डिप्रेशन का मतलब होता है जब बिजनेसमैन या किसी भी तरह से सभी जो लोग होते हैं जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको लॉस फेस करना पड़ता है, डिप्रेशन.
क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब हमारी कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम पीरियड, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी कंट्री में काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स ने कोई, जिसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट पॉलिसीज लॉन्च नहीं की, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काइंड ऑफ बहुत सी कंट्रीज को डिप्रेशन फेस करना पड़ा, लॉस फेस करने पड़ा। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे पीजेंट्स थे, ठीक है, इनके पास जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिमांड दूसरी कंट्रीज में बहुत कम थी, और इसीलिए इनके पास इतना प्रॉफिट नहीं था कि वो हाई रेवेन्यू जो था वो पे कर पाते, इसीलिए दे वर फेड अप विद द डिप्रेशन। एंड इवन जो इनकी क्रॉप्स का जो प्राइस था दैट वॉज ऑल्सो वेरी लो, लो प्राइस ऑफ क्रॉप्स। अब पीजेंट्स हैं, ठीक है, जब वो हाई रेट पे क्रॉप्स बेचेंगे तो ही उनको रेवेन्यू हाई पे कर पाएंगे, हाई रेंट पे कर पाएंगे। अगर उनकी क्रॉप्स का प्राइस ही बहुत कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होगी तो वो रेवेन्यू भी या टैक्स भी गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाएंगे। सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिशर्स, सो दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लार्ज स्केल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इवन कांग्रेस पार्टी, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी रिच पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसमें आपने साथ में लिखना है कि कांग्रेस पार्टी आल्सो सपोर्टेड दीज रिच पीजेंट। लेकिन जब इन्होंने नो रेंट, यानी कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब जो है, जो महात्मा गांधी जी ने मीनिंग दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, नो रेंट कैंपेन स्टार्ट कर दी। नो रेंट का मतलब होता है कि रेंट ही नहीं देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ऑब्जेक्शन हुआ, मेन टारगेट था सिविल डिसोबीडियंस रूल्स को तोड़ना, लेकिन नो रेंट कैंपेन, नो रेंट कैंपेन का मतलब होता है कि इन पीजेंट्स ने क्या किया, नो रेंट कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि वो बिल्कुल भी रेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे में इनको ये लगा कि अगर हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जितना भी रेंट है वो रिमिट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इन रिच पीजेंट्स को सपोर्ट किया, लेकिन जब इन पट्टीदार्स ने नो रेंट कैंपेन स्टार्ट किया तब कांग्रेस पार्टी जो थी वो काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ये नो रेंट कैंपेन, नो रेंट कैंपेन का मतलब होता है ये बिल्कुल भी रेंट नहीं देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन पीजेंट्स एंड कांग्रेस वॉज अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी इनकी इस डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कौन सी डिमांड? नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन का मतलब क्या होता है कि वो अपना रेंट जो था वो रिमिट करवाना चाहते थे, पर कांग्रेस पार्टी जो थी उनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्लान में नो रेंट कैंपेन नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम जो मूवमेंट पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट थी ये कांग्रेस पार्टी का मेन प्लान, तो कांग्रेस पार्टी उनके नो रेंट कैंपेन को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन रिच पीजेंट्स एंड कांग्रेस पार्टी वॉज अनसर्टेन बिकॉज दे वर डिमांडिंग टू रिमिट। रिमिट का मतलब होता है कि खत्म कर देना, माफ कर देना, वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके रेंट को माफ हो, रेवेन्यू को माफ हो, पर ऐसा नहीं हुआ, क्लियर। सो दिस वॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स, ठीक है। इवन पुअर पीजेंट्स ऑल्सो, हमने साथ ही आपने ये बताना है दैट पार्टिसिपेशन ऑफ रिच पीजेंट्स, और नेक्स्ट आपने बताना है पुअर पीजेंट्स, ठीक है। इवन दे वर ऑल्सो डिमांडिंग टू रिमिट देयर रेवेन्यू, टू रिमिट देयर जो भी उनका रेवेन्यू था या रेंट था, बट कांग्रेस पार्टी वॉज नॉट सपोर्टिंग टू दैम, ठीक है। तो इसी में ये मैं अलग से आपको नहीं करवा रही हूँ रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स, आप साथ में हेडिंग भी बना सकते हो रिच एंड पुअर पीजेंट्स, तो दोनों ही आपकी जो ग्रुप्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। पहले आपने रिच पीजेंट्स की मेन प्रॉब्लम बतानी, ठीक है, फिर आपने पुअर पीजेंट्स का बताना है कि कांग्रेस पार्टी उनको भी सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो अल्टीमेटली चाहते थे कि उनका रेंट जो है वो माफ हो जाए, पर ऐसा नहीं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो ग्रुप है दैट इज इंडियन मर्चेंट्स। पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय इंडियन मर्चेंट्स एंड बिजनेस मैन,
अब इस 1930 के टाइम, यानी कि 1931, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड तक हमारी कंट्री में बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी वो ओपन हो चुकी थी, स्पेशली कॉटन, ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिल्स, मैनी मिल्स वर ओपन. इवन हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे इंडियन इंडस्ट्रियस थे, दोज हु वर वेरी रिच, एंड दे आल्सो सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, दैट वॉज दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरन गुड्स. इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, महात्मा गांधी जी को सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन गुड्स. क्योंकि अगर कंट्री में फॉरेन गुड्स आती तो इन मर्चेंट्स या इन बिजनेसमैन की जो गुड्स थी, इंडियन गुड्स थी, उनकी सेल ना होती. एंड सेकेंड थिंग, ठीक है, ये चाहते थे कि इनके द्वारा प्रोड्यूस की गई जो इंडियन आइटम्स हैं वो इंडिया में उनको सेल किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी आइटम्स, यानी कि ये अपनी कंट्री में बनी हुई चीजों को सेल एंड परचेज या प्रमोट करना चाहते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, ठीक है, वो इनके अकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स दे वर प्रमोटिंग फॉरेन गुड्स इन द कंट्री. सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मैनी इंडियन बिजनेसमैन दे फॉर्म्ड देयर ओन ग्रुप. उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए, और इन्हीं ग्रुप्स में आपने मेन दो ग्रुप जो हैं वो याद रखने हैं. वन मा क्वेश्चन, सबसे पहले आपने ग्रुप याद रखना है IICC, एंड नेक्स्ट इज FICCI, फुल फॉर्म ऑफ IIC, इंडियन, राइट डाउन, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस. ये स्टार्ट किया गया था 1920 में, ठीक है. सबसे पहले आप इसको याद रखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IICC, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस. स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1920 से ही, और इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी इंडियन मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन जो अपने बेनिफिट्स या अपने जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी या जो भी उनका प्रॉफिट था या बिजनेस था उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, अपने राइट्स, ये ब्रिटिशर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाएं ताकि इनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनको ये लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कंट्री में इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि फॉरेन आइटम्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे. इसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है, नेक्स्ट है FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर. चैम्बर, इसमें आप ये वर्ड याद रखो, चैम्बर, यानी कि ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में इंडियन मर्चेंट्स को फॉरेन जो है जो भी बिजनेस डीलिंग होती थी उनमें मेंबर नहीं बनाया जाता था. तो इंडियन मर्चेंट्स ने अपनी एक अलग इंडियन एसोसिएशन बनाई, चैम्बर. चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें वो अपने कंट्री से रिलेटेड जो भी बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है. तो दिस वॉज कॉल्ड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. In 1927, ये कब बनी थी? 1927.
इसका मेन मोटिव क्या था? अगेन यस लर्न द फुल फॉर्म ऑफ दिस FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। ठीक है, तो ये मेन आपने ऑर्गेनाइजेशन याद करनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में फॉरनर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग दीज इंडियन मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन। अब क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। दे गेव फंड्स मनी, ठीक है, फंड्स मनी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि इन मर्चेंट्स ने, बिजनेसमैन ने, जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मनी या फंड्स जो भी पार्टी को चाहिए थे, इन्होंने वो डोनेट किए, ताकि पार्टी जो है वो इनकी प्रॉब्लम्स को सुने। और मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो इनकी प्रॉब्लम्स की तरफ भी ध्यान दे, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करे। तो अल्टीमेटली जो मेन मोटिव था मर्चेंट्स और बिजनेसमैन का, वो क्या था कि वो अपना एक बिजनेस क्लब बनाना चाहते थे, ताकि जो उनकी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो सेल एंड परचेज या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, वो भी फॉरेन कंट्रीज में अपने गुड्स को बिना किसी, जिसे कहते हैं कि लिमिटेशंस के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। तो दे वांटेड फ्रीडम। और इसके बाद फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के नेम बताने। ठीक है, बहुत से ऐसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज फैमिलीज जिन्होंने उस टाइम पीरियड में सपोर्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट नेम है GD बिरला। GD बिरला, ही वॉज वेरी फेमस एस्टेब्लिश बिजनेस मैन। He supported civil disobedience movement. Then, Purushottam Das Thakur Das. ठीक है, दो main name याद रखो, Indian businessman G.D. Birla and Purushottam Das and Thakur Das. They supported civil disobedience movement. They gave money, financial assistance, and उन्होंने लोगों को इस चीज के लिए compel किया that refuse to buy and sell foreign goods. उन्होंने ये कहा कि लोग जब तक रिफ्यूज नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स को, तब तक कंट्री में फॉरेन गुड्स आते जाएंगे। तो इनका मेन टारगेट क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस करना, नॉट टू बाय एंड सेल फॉरेन गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स इन द कंट्री। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियन मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन की, बिकॉज देयर टारगेट वॉज टू गेट फ्रीडम, प्रोडक्शन एंड अटोनोमी। अटोनोमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कि वो अपनी फैक्ट्रीज या जो भी उनकी गुड्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में बिना रिस्ट्रिक्शंस के सप्लाई कर सकें। बट एट दैट टाइम दे वर फेसिंग मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, सो दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम दीज रिस्ट्रिक्शंस। तो ये था सेकेंड ग्रुप, इंडियन मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो था दैट वॉज रिलेटेड, ये तो थे ऑनर्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ा पीजेंट्स का। अब हमारी सोसाइटी में एक और ग्रुप है, दैट इज ऑफ वर्कर्स, जो लेबर क्लास है, तो उसको हम बनाएंगे थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में हम बताएंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर्कर्स। अब मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी जो थी, पहले रिच पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में नहीं, जब उन्होंने नो रेंट कैंपेन स्टार्ट की। सेकंड मैंने बताया कि रिच बिजनेसमैन, दे वर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई दे वांटेड फ्रीडम, सो दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड एंड कांग्रेस पार्टी आल्सो सपोर्टेड देम। नेक्स्ट इज अबाउट वर्कर्स। वर्कर्स वर नॉट हैप्पी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बिकॉज दे वर नॉट गिवन हाई सैलरीज, उनको सैलरीज नहीं सपोर्ट जो है वो दी जाती थी। अब वर्कर्स में भी दो तरह के वर्कर्स, एक तो होती है लेबर क्लास और दूसरे होते हैं फैक्ट्री ऑनर्स या फैक्ट्री वर्कर्स। लेबर जो लोडिंग का काम करते हैं और फैक्ट्री वर्कर जो फैक्ट्रीज में मशीन्स में काम करते हैं, और इसमें भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, दे वर नॉट गिवन सैलरीज एंड दे डिमांडेड हायर वेजेस। इनकी डिमांड क्या थी गवर्नमेंट्स? दे डिमांडेड हायर वेजेस एंड सैलरीज।
but they were not given, or that's why they wanted to participate in civil disobedience movement. Okay, and their main motive was to get salaries, to get, you can say, kind of facilities, medical facilities from the government. And in mines, mine workers जो थे जो mines में काम करते थे, छोटा नागपुर जो हमारे इंडिया में एक प्रॉपर माइन एरिया है, वहाँ पे बहुत से वर्कर जो थे, लेबर्स थे, दे स्टार्टेड वेयरिंग गांधी कैप्स. गांधी कैप्स इस टाइम में बहुत फेमस हुई, ठीक है, प्रोटेस्ट बहुत फेमस हुआ. उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है. तो अल्टीमेटली उनका मेन टारगेट क्या था, दैट दे वॉन्टेड हायर वेजेस. एंड उन्होंने स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है कि फैक्ट्रीज में काम ना करना, ठीक है. और इस तरह से काफ़ी हद तक जो था वो ब्रिटिश, उस टाइम पर हमें हमारी कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, या तो वो ब्रिटिशर्स, टोटली ब्रिटिशर्स थी, या विद द कोलेबोरेशन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स. तो मैनी लेबर्स दे कॉल्ड फॉर स्ट्राइक, और ऐसे में उन्होंने जो है वो फॉरेन गुड्स जो थी उनको बॉयकॉट करना शुरू किया. लिकर शॉप्स, ठीक है, लिकर शॉप जो है वो उनका एंट्री गेट जो था वो ब्लॉक कर दिया गया. दीज वर पिकेटेड एंड मैनी पीपल दे स्टार्टेड वेयरिंग गांधी कैप्स. एंड स्ट्राइक में वो बड़े बड़े बैनर्स के साथ जो थे वो मार्च पास करते थे. एंड मेनली माइंस, माइंस में जो वर्कर्स थे, लेबर क्लास थे, उनकी जो जिसे हम कहते हैं कि पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक फैक्ट्रीज जो हैं उनमें स्ट्राइक नहीं अरेंज कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली दे वॉन्टेड दैट मनी शुड बी गिवन टू दैट. कितनी देर के लिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में करते, तो अल्टीमेटली उनको ज्वाइन करना ही पड़ा, ठीक है. वो ज़्यादा देर तक फैक्ट्रीज बंद नहीं कर पाए और इसलिए अल्टीमेटली उनको फैक्ट्रीज ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया. लेकिन जब ग्रुप की बात आती है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं इंटू रिच एंड पुअर, तो हम ये कहेंगे कि जो कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस वॉज नॉट सपोर्टिंग दीज वर्कर्स. वर्कर्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज वर्कर्स के अपने प्लान्स थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ मैच नहीं हुए, ठीक है. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक स्टार्टिंग में तो ये मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल आउट किया, वापस किया, तो इनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक कम हुई. क्लियर. नेक्स्ट ग्रुप जो हम करेंगे, दैट इज पार्टिसिपेशन बाय विमेन. रैलीज की बात आती है, मूवमेंट्स की बात आती है, तो बेसिकली हम ये सोचते हैं कि जो वुमेन क्लास है वो ज़्यादा रैलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. तो काफ़ी देर तक कांग्रेस, यहाँ पे फिर कांग्रेस पार्टी की बात आ रही है क्योंकि वो लीडिंग पार्टी थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था उन्होंने. तो कांग्रेस पार्टी, इवन महात्मा गांधी जी वो भी ये सोचते थे कि जो वुमेन हैं, ठीक है, उनकी मेन ड्यूटी क्या है, टू रिमेन इन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, ताकि वो प्रॉपर अपने घर में अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे, ठीक है, वैल्यूज जो है वो सिखाई जाए बच्चों को, ठीक है. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉल्ट मार्च, जब महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, देन एट दैट टाइम मैनी विमेन केम आउट ऑफ देयर होम एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मार्च ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है. सरोजनी नायडू, उस टाइम में बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट विमेन लीडर्स हैं जो उस टाइम पर उन्होंने मूवमेंट्स और रैलीज में पार्टिसिपेट किया. एंड मैनी वेंट टू जेल ऑल्सो. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी जो थी वो वुमेन पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट थे. नॉन कोऑपरेशन में बहुत कम इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वुमेन लीडर्स हैं जिनके नाम आपको बताऊंगी. लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक बहुत ही वुमेन लीडर्स थी, ठीक है, जो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी. लेकिन जब बात आती है कांग्रेस पार्टी में मेन इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं पोस्ट, तो कांग्रेस पार्टी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव एनी इंपॉर्टेंट पोस्ट to the women in the party, because उनको अभी भी ये लगता था कि women were not able for politics, they are not able for politics, वो politics के लिए नहीं. हाँ, अगर rallies की बात करें तो movements की बात करें तो काफ़ी women leaders थी जिन्होंने participate किया, लेकिन civil disobedience के बाद काफ़ी women leaders जो थी, the prominent women leaders, they fought for our Indian freedom struggle. तो इस question को हम कैसे मतलब जो है वो करेंगे, that in starting कांग्रेस पार्टी वॉज नॉट यू कैन से एबल और नॉट अलाउ
the important seats for you can say women in the party, यानी कि important seats के लिए women को जो है वो नहीं दिया गया. लेकिन participation की बात करें तो movements and rallies या start march जो start हुआ था, then many women they participated. लेकिन internal अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो उस time period में उनको important जो थी वो post या position नहीं मिली थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत से लीडर्स, इवन महात्मा गांधी जी का भी ये मानना था कि जो वुमेन हैं दे आर ओनली फॉर द यू कैन से टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ देयर हाउस एंड टू टेक केयर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, एंड टू टीच द वैल्यूज. तो अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो सॉल्ट मार्च में बहुत सी वुमेन ने पार्टिसिपेट की, ठीक है. तो ये मैंने आपको अलग अलग ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन बताई है. नंबर वन हमने किया था सबसे पहले रिच एंड पुअर पीजेंट्स, जिनका मेन टारगेट क्या था, दैट टू remit their rent or revenue. No rent campaign was started and this was their way to participate in the civil disobedience movement. Clear? Next humne phir kiya, second is participation of Indian merchants and businessmen. They participated on a large scale by giving financial assistance and money to the party also. Even many organizations, ICCI and FICCI, FICCI jise kaha jata hai, they also participated and contributed a lot. Then industrial workers, both mine workers, laborers and rich industrial workers, they also participated in civil disobedience movement by supporting the Mahatma Gandhi policies. They started wearing Gandhi caps and call for strike also. Kaam karna band kar diya unhone, strikes, agitation start ki. Lekin slowly and gradually when Mahatma Gandhi called off this movement, so their expectation, jo unki expectations thi, wo fulfill nahi ho pai. तभी सेकेंड टाइम जब महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया, तब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस जो थी वो स्टार्ट या जिस लेवल पे उसको स्टार्ट होना चाहिए था वो नहीं होता. देन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, सॉल्ट मार्च में हम बताएंगे कि मैनी वुमेन दे पार्टिसिपेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट आल्सो. बहुत सी ऐसी वुमेन थी जो दांडी पोस्ट गई, उन्होंने सॉल्ट बनाया एंड दे वेंट टू जेल आल्सो. They also burnt foreign goods, foreign clothes in bonfire. Many went to jail also. But women leaders were very few. बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी. Because at that time Congress party was not interested to give women as important position in the party. ठीक है, ये हमने इसमें बताना है कि women की उस time पर में participation थी, बहुत कम leaders थी. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत से women ने participate किया civil disobedience movement में. लेकिन कांग्रेस पार्टी में लीडिंग बहुत कम, लीडर्स बहुत कम, ठीक है. हाँ जी, एनी डाउट?